नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। ओडिशा के राजगांगपुर में शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे स्थानीय नगर पालिका सभागृह में सुंदरगढ़ जिलापाल निखिल पवन कल्याण के नेतृत्व में कोरोना वायरस बचाव के मद्देनजर एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। जिलापाल निखिल पवन कल्याण ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज चारों तरफ कोरोना वायरस का आतंक है तथा केंद्र एवं राज्य सरकार इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रही है। इस घड़ी में कोरोना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना समय की मांग है। वैसे भी जागरूकता इसके लिए बड़ा योगदान साबित होगा। उन्होंने लोगों को अपने हाथ अच्छे से धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, खांसने छींकने के समय मुंह ढकने के साथ ही साथ अपने परिवेश की सफाई नियमित रूप से करने आदि को लेकर उपस्थित जनों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर अधिक से अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों में पूर्व की भांति नीतियां और पूजा पाठ जारी रहेगा। वहीं बाजारों में लोगों से दूर रहने पर का परामर्श दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से लौटने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्रम में नगर पालिका के द्वारा बिजू कल्याण मंडप में लगाए गए 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर राजगांगपुर तहसीलदार रीना नायक, नगर पालिका के ईओ सौरेंद्र कुमार राउत राय, डॉक्टर ऐश्वर्य पाणिग्राही महाराणा बाबू, रामनवमी कमेटी के अध्यक्ष शेखर दाइमा, शंकर सिंह, मुस्लिम पंचायत समिति के उपाध्यक्ष कुतुब रब्बानी, मीडिया प्रभारी मसूद अमन, मजार कमेटी के MD आरिफ, गुरुद्वारा कमेटी के कुलदीप सिंह सहित कुछ मीडिया प्रभारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सुंदरगढ़ से राजेश दाइमा की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.